respected principal sir, vice principal ma'am, and to all the teachers. We belong to the class 8 and we have a play, a comedy drama. This drama only for public purpose. सबसे पहले हम अपने आदरणीय मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल में आपके सभी टीचरों का स्वागत करने के साथ इस टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ये अनुरोध करते हैं कि कृपया इस नाटक का अनुष्ठान न लें। अगर और कोई त्रुटि होती है तो कृपया क्षमा कर दें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो। थैंक यू सर। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है ना? ठीक है। कल मैंने कुछ काम दिया था तुम लोगों को करने के लिए। हाँ सर। और कुछ सुनने के लिए भी दिया था। हाँ सर। अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर आपसे सुनता हूँ। ठीक है सर। रोल नंबर वन है सर। टू है सर। थ्री है सर। फोर फोर है सर। कहाँ जाने जाने पर क्षमा कीजिए सर। बैठो। फाइव है सर। सिक्स है सर। सेवन जी गुरु जी। एट जी गुरु जी। नाइन टेन टेन अभी आया नहीं है, उसका रोज का नाटक है, आने दो उसको बताते हैं। कल मैंने आप सभी को कुछ वर्क दिए थे। यस सर। आज एक वर्क लिखा रहे हैं, कल हम उसे सुनेंगे आगे। ठीक है ना? ओके सर। सब लोग नोट करो उसको कॉपी में। बच्चों आप सभी इसको लिख लें, कल मैं आके इसे पूछूंगा। ठीक है सर। लिख लिया सभी ने? जी सर। शिवान यस सर। कल मैंने कुछ काम दिया था करने को। यस सर। कहाँ है? दिख रहा है? क्यों नहीं किए सर? लाइट चली गई थी। तो लैंप या कैंडल जला लेते हैं सर। माचिस नहीं थी। तो माचिस क्यों नहीं थी सर? पूजा कर रहे थे। पूजा करने आते सर? नहाए नहीं थे। अब नहाए क्यों नहीं थे सर? पानी नहीं था। अरे पानी क्यों नहीं था सर? मोटर नहीं चले। मोटर क्यों नहीं चल रही थी सर? बता दो कितनी बार तो सर लाइट चली। अच्छा बैठो, इसके उधर रहते हैं हमारे। तुम लोग ऐसे नहीं, सुन लोग मारना पड़ेगा। योगेश अपना होमवर्क दो। मुझे एक बात बताओ, अगर एक तरफ तुमको पैसा दिया जाए और एक तरफ अकल, तो तुम क्या चुनोगे? गुरुजी अगर मैं एक तरफ पैसा और एक तरफ अकल दे दिया जाए तो मैं पैसा चुनूंगा। गलत, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो अकल चुनता। ये बात आपने सही कहा गुरुजी, जिसके पास
में जिस चीज कमी होती है वो वही चुनता है। अच्छा, मतलब मेरे पास अकल नहीं है। सुरेश, तुम खड़े हो, ये बताओ सोनी की खोज किसने की थी? आलिया भट्ट। क्या कह रहे हो गुरुजी? यह तो तोतला है, इसका मतलब है आर्य भट्ट। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बैठो। दीपक जी, गुरुजी ये बताओ 1869 में क्या हुआ था? क्या कह रहे हो? सॉरी सर, राजपिता। हाँ ठीक है, अब ये बताओ 1872 में क्या हुआ था? गुरु जी 1872 में गांधी जी 3 साल हो गए। अच्छा, यही बताया था। बैठो, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? माइक दो, माइक दो, माइक दो, आओ जाओ, आ जाओ, इतना लेट कैसे हो गया? गुरुजी देर हो गई। कैसे देर हो गई? गुरुजी मैं गिर गया, मुझे लग गई। कहाँ गिर गए, क्या लग गई? मैं बिस्तर पे गिर गया, मुझे आग लग गई। अच्छा, बाहर निकलो क्लास, बाहर निकलो, बाहर निकलो क्लास, कोई स्कूल नहीं चले। बेटा सैफी, तुम खड़े हो। जी सर, तुम्हारा प्रश्न ये है, नेम वन एनिमल फाउंड इन डेजर्ट। सर कैमल। वेरी गुड, नेम सम अनदर एनिमल्स? सर अनदर कैमल। अच्छा बैठो, कुछ नहीं आता जाता। बच्चों तुम लोगों को पता होगा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। अरमान क्या हो रहा है, क्या बताया अभी मैंने, क्या है दिल्ली, क्या है दिल्ली में? सर आपने बताया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अच्छा बैठो, वेदांत जी। गुरु जी कल मैंने तुमको कुछ पाठ याद करने को दिया था। नहीं गुरु जी, नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? लाइट चली गई। तो क्या दोबारा लाइट आएगी? गुरु जी लाइट आई थी, फिर से चली गई। तो फिर तो आई होगी। गुरु जी आई थी लेकिन मैं इधर से नहीं पढ़ने बैठा कि कहीं लाइट दोबारा पड़ जाए। शायद होमवर्क नहीं कर दिया तो हाथ निकालो अपना। अरे गुरु जी मैं पा लिया। अरे हाथ निकालो, गुरु जी मैं पा लिया। बैठो, कार्तिक तुम खड़े हो, ये बताओ एक ही बात क्या था? गुरु जी एक ही बात। हाँ गुरु जी, एक क्या बोलती? अच्छा गाना सुना रहा हूँ। अजीत तुम खड़े हो, देखो बच्चों क्लास का सबसे होना अच्छा है। तुम लोगों को काम दिया जाए, काम दिया जाता है, कुछ नहीं करके आते, ये सारा काम करके आता है। अच्छा अजीत एक बात बताओ, एक मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जिससे कुछ शिक्षा मिलती है। अच्छा पता नहीं क्या क्या कहानी बताता रहता है। चलो अच्छा, तुम्हारा दूसरा प्रश्न ये है कि नहीं, 3 जानवरों के नाम बताओ जो पानी में रहते। गुरु जी एक मछली। हाँ और दो। अच्छा बैठो, लोगों को इतना पढ़ाता निकालता हूँ मैं और तुम लोगों को उछाला जाता नहीं है। मेरा नाम मिट्टे मिला रहे, उठो पत्नी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, एक गलत तरीके से ली गई शिक्षा हमारे लिए कितनी हानिकारक हो सकती है, इसीलिए हमें हमेशा अच्छी जगह से शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे कि आज हम सभी स्पेशल मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं जो कि एक अच्छी शिक्षा का केंद्र है, जहाँ पे हमें अच्छे अच्छे अध्यापक हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और इस नाटक से यह संदेश मिलता है कि हमें अपने शिक्षकों की कई भी बातों का सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और यह भी कहा गया है कि शिक्षक हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं। जो विद्यार्थी अपने शिक्षक का कह कई भी बातों का पालन नहीं करता है वह कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ एक बार फिर से हम सभी की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी